हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज हम ताज़ा मेथी से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी, खाने में बहुत ही टेस्टी मेथी मुठिया की रेसिपी। कुछ टिप्स के साथ बिना सोडा और इनो का इस्तेमाल किए मुठिया के लिए जो हम डो बनाएंगे उससे ये बहुत ही क्रिस्पी, कड़क और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप 20 से 25 दिनों तक खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मेथी, ताज़ा मेथी है ये, जिसके सिर्फ मैंने पत्ते लिए हैं, डंठल वगैरह हटाने के बाद अच्छे से धो लिया है और इसे एकदम बारीक काट लिया है। अभी हमें इसे एक तरफ रख देना है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे और 1 से 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है और ये सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं, इसलिए 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। बिना पानी डाले इसे हमें दरदरा पीस लेना है। अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच ताज़ा दही। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दही है वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो हमने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के तैयार किया था वो डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सौंफ, सौंफ से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हींग और 1 टीस्पून मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। इससे भी हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाला है, ये मेथी के जो कड़वा फ्लेवर होता है उसको काफ़ी बैलेंस करता है। 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे और 2 चम्मच मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। तेल डाल देने के बाद इन सारे चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिला देना है। हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, इससे जो हमारी मुठिया है बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने मेथी काट के रखा था उसे भी इसके अंदर डाल देना है और हाथों से सबसे पहले मेथी को अच्छे से हमें मिला लेना है। हमने इसी समय तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप आटा में तेल का इस्तेमाल करेंगे तो फ्राई करते समय मुठिया खुल सकता है, इसलिए मोयन के लिए जो तेल इस्तेमाल करेंगे वो पहले ही इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दरदरा पिसा हुआ गेहूँ का आटा। तो अगर आपके पास दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा नहीं है तो नॉर्मल आटे में 2 चम्मच सूजी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें नॉर्मल चपाती वाला आटा डाला है और 1/2 कप ही हम इसमें डालेंगे बेसन। एकदम परफेक्ट माप है। अगर 1 कप आप दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा लेते हैं तो 1/2 कप हमें बेसन और 1/2 कप नॉर्मल जो हम चपाती बनाते हैं वो वाला आटा का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे पहले मिला लेंगे बिना पानी डाले। तो हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है तो थोड़ी सी बाइंडिंग तो दही के वजह से ही आ जाती है। पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी इसमें डाला है। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल ही सख्त रखना है इस डो को हमें, नहीं तो जो हमारी मुठिया है बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो सिर्फ मैंने इसमें 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ढक के इसे हमें छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट में ये आटा अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके हथेली के बीच में रख के इसे रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको बनाना बहुत ही आसान है। सारी मुठिया को बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए तेल को मैंने हल्का ही गरम किया है। आप इसमें जो बबल उठ रहा है उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने तेल को कितना गरम किया है। एक एक करके मैंने इसमें 8 से 10 मुठिया डाल दिया है और इसे अभी हमें लो फ्लेम में ही 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तुरंत ही हम इसे नहीं पलटेंगे और इसको फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसे लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, नहीं तो जो हमारी मुठिया है बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगी पर अंदर से बिल्कुल भी कच्ची रहेगी। तो 2-3 मिनट के बाद इसे हल्के हाथों से हमें पलट लेना है और इसको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाता है क्योंकि हमें इसे एकदम लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो देखेंगे कि इस पर क्रैक्स आने लगेंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है ये,
तब हम इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे भी आप इसको निकाल सकते हैं और या इस तरीके से छन्नी पे भी निकाल सकते हैं ताकि जो भी इसमें तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी, खाने में बहुत ही टेस्टी हमारी मेथी मुठिया बनके तैयार हो गई है। तो चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता होता है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।